पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आमेन। हे पवित्र आत्मा के सम्मान से शान से स्वर्ग के सम्मान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से हे पवित्र आत्मा सबका कल्याण हो सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परम पिता जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साये में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमेन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परम पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ हैं, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमेन।
संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दें और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमेन। माता मरियम से प्रार्थना, तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में घिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सके, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सास के साथ संसार के प्रलोभनों से बच सके, बुरी संगत से दूर रहे, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना कृष्ण कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहे और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। धन्यवाद और निवेदन। ओपन आर्ट सर्जरी में चंगाई मिली है, पूरी तरह से यश मिला है, इसके लिए धन्यवाद। ड्राइविंग लाइसेंस कनाडा में मिला है, इसके लिए धन्यवाद। पासपोर्ट रिन्यूअल हुआ है, इसके लिए धन्यवाद। कोविड से मुक्ति मिली है, इसके लिए धन्यवाद। एक्सीडेंट से बच गए हैं, इसके लिए धन्यवाद। फिस्टुला की सर्जरी में यश मिला है, इसके लिए धन्यवाद। और माता मरियम से बहुत सारे वरदान मिले हैं और स्वस्थ मिला है, इसके लिए धन्यवाद। कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं। व्यक्तियां चाहते हैं यूएसए और कनाडा जाने के लिए वीज़ा मिल जाएं, जीवन साथी मिल जाएं, बच्चे का वरदान मिल जाएं। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति के लिए जिनका फेफड़ों का इन्फेक्शन है, लंग इन्फेक्शन है, किडनी की बायोप्सी रिपोर्ट्स अच्छी आ जाएं, इसके निवेदन है। एक व्यक्ति के पेट में बहुत दिनों से दर्द है, उनसे वो चंगाई चाहता है, उसके लिए प्रार्थना करें। बोर्ड एग्जामिनेशंस जो चालू हैं, होने वाले हैं, सभी एग्जाम्स के लिए, एग्जामिनेशन में विद्यार्थी जो बैठ रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें कि उनको परीक्षा में यश मिले। पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए व्यक्तियों ने निवेदन किया है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं।
वर्क परमिट बाहर में मिल जाए इसके लिए निवेदन आए हैं। एक व्यक्ति चाहता है कि वो व्यसन मुक्त हो जाएं, उनको ड्रग्स लेने की आदि हैं, इसके लिए प्रार्थना करें। हेमरेज और पैरालिटिक स्ट्रोक एक व्यक्ति को हुआ है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उसको पूरी तरह से चंगाई मिल जाए। एब्सेस से चंगाई चाहता है एक व्यक्ति, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। डायबिटिक, थायराइड और घुटनों का दर्द, बहुत सारे व्यक्तियों ने इसका निवेदन किया है कि उनको मुक्ति मिले, उनको चंगाई मिले। एक व्यक्ति अपना याददाश्त खो रहा है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति का आंख ऑपरेशन है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनको वो ऑपरेशन अच्छी तरह से हो जाए। कोलन, ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर से बहुत सारे महिलाएं पीड़ित हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनको चंगाई मिल जाए। अपॉइंटमेंट लेटर कामयाब अभी तक नहीं मिला है, व्यक्ति चाहता है कि जल्द से जल्द मिल जाए। एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो घायल हुआ है एक्सीडेंट में, कसर पर चोट आई है, कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। प्रार्थना करते हैं एक एमबीए व्यक्ति के लिए जिन्होंने एमबीए किया है लेकिन अब उसको नौकरी नहीं मिली है, तो हम उसकी नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं। वैसे एक नर्सिंग जॉब चाहते हैं एक व्यक्ति यूके में, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। पूरे विश्व में शांति हो जाए इसके लिए निवेदन आया है, हम प्रार्थना करें विश्व में शांति हो। एक व्यक्ति का जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ है, चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। पिछले एक महीने से एक व्यक्ति कोमा में है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द शुद्ध पर आ जाए। इन सब व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते समय हम अपने निवेदन भी माता मरियम के चरणों में रखते हैं, वो हमारे लिए मध्यस्थ करेगी और प्रभु परमेश्वर हमें वो ग्रहण करेगा। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें ताकि इस सप्ताह में जो भी लोग ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं उनकी तबीयत अच्छी हो जाए, यश मिले उनको ऑपरेशन में, सक्सेसफुल हो जाए। जो विद्यार्थी उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो। प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में भी हमको शांति मिले। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। हे नित्य सहायक माता, हम पर दया कर, हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता करें, हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं, तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सकें, हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे, हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है, हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें, यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर, हम अपने भगवान से दूर न हुए इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम अरे कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय, आमेन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमेन। हे संत मरिया, अपोगों की सहायता कर, विश्वासिन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारे के मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, जो युगानुग जीता और राज्य करता है, आमेन। खुशियाँ हजार।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ तरक्की हो जाए। हम चाहते हैं कि ये समाज बदल जाए। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में तब्दीलियाँ आ जाएं। हम चाहते हैं कि हमको अच्छी नौकरी मिले। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम हमेशा खुश रहें। इस प्रकार की तमन्नाएं हमारे दिल में हुआ करती हैं और कभी कभी हम प्रभु के सामने ये सब कुछ रखते हैं, लेकिन ये सब रखते समय हम प्रभु से ये नहीं कहते हैं कि प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हो, ये सब कुछ मैं चाहता हूँ ये सही है, लेकिन आप मुझसे क्या चाहते हो। हम हमेशा चाहते हैं कि दूसरे व्यक्तियों ने ये करना चाहिए, उस व्यक्ति ने ये करना चाहिए, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ये सवाल हम अपने आप से पूछते नहीं हैं। अगर परिवार में हम रहते हैं तो बच्चे चाहते हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये सब कुछ करना चाहिए, वो डिमांड करते हैं, कहें कि ऐसा ही चाहिए, लेकिन बच्चे इन्हें सोचते हैं कि मेरा योगदान परिवार के लिए क्या है। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारे समाज में ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ ये हम नहीं सोचते। कलीसिया में हम चाहते हैं कि कुछ बदल आ जाए, अगर हम ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि मैं इसके लिए क्या प्रयत्न कर रहा हूँ। ईश्वर की वाणी सबको आती है, बुलावा सबको है। ईश्वर चाहता है कि हर इंसान अपना योगदान अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने समाज के लिए और हमारे कार्य के लिए हम हमेशा देते रहें। जब तक हम अपना योगदान नहीं देते तब तक हम समाज को, हमारे परिवार को या हम खुद को नहीं बदल सकते। बदलने के लिए मैं अपना योगदान देना चाहिए, हमें अपना योगदान देना चाहिए। दूसरों से हम अपेक्षित कर सकते हैं, लेकिन मेरा योगदान क्या होगा ये हम नहीं सोचते। हम यदि क्रिसमस का सुसमाचार पढ़ते हैं तो सुसमाचार में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर प्रभु ने योगदान उस व्यक्ति से मांगा। जब भूखे थे लोग तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि इनको खाना दे दो, उन्होंने योगदान मांगा और शिष्यों ने क्या कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कैसे दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक लड़का है, उसके पास कुछ मछलियाँ हैं, कुछ रोटियाँ हैं, लेकिन इतने हज़ारों की संख्या में वो क्या होगा। लेकिन प्रभु परमेश्वर उन रोटियों को लेता है, उन मछलियों को लेता है और कहता है कि उनको ज़मीन पर बिठा दो, लोगों को अलग अलग जगह पर बिठा दो और वहाँ चमत्कार होता है। कई बार परमेश्वर प्रभु यीशु योगदान मांगता है वो विश्वास का, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगाई दे सकता हूँ, और वो व्यक्ति कहता है अवश्य रूप में मैं विश्वास करता हूँ, तो प्रभु उनसे कहता है तुम्हारा विश्वास ने तुमको ठीक कर दिया है, जाओ और ऐसी गलती मत करना। हर समय हर घड़ी परमेश्वर यही चाहता है कि हम योगदान अपना दे दे। माता मरियम को जब गब्रियल दूत ने सुसमाचार दिया
कि तुम प्रभु की मां बनने वाली हो। तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति से योगदान मांगा कि क्या उसकी हां है कि नहीं, और माता मरियम ने हां कहा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसी परिपूर्ण में हो हमारे जीवन में। यानी कि उन्होंने हां कहा इसके लिए इस धरती पर प्रभु परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु आए। परमेश्वर के पुत्र यीशु ने इस धरती पर जन्म लिया। यदि वो ना कहती हो सकता था कि अवश्य रूप पर परमेश्वर को दूसरे एक व्यक्ति को तैयार करने पड़ती थी, लेकिन परमेश्वर हमेशा इंसान से योगदान मांगता है। वो चाहता है कि हम अपना योगदान दें, और जब अपना योगदान हम देते हैं तभी चमत्कार होता है, तभी बहुत सारे चीज़ों में चेंजेस होते हैं, बदलाव आता है। उस काना नगरी में जब उनके पास द्राक्षरस कम हुआ शादी के दौरान, माता मरियम ने मध्यस्थी की, मांगा कि इनके लिए कुछ करो, तो प्रभु ने योगदान मांगा, योगदान उन नौकरों से कि आइए ये जहाँ पर ये शुद्धकरण करने के लिए पानी रखा है, खाली हुआ है, उसके अंदर पानी भर दो। योगदान उनसे मांगा। उसने ऐसे कर सकते थे कि चलो भाई ठीक है हम ऐसे ही बना देंगे, उनकी इच्छा है द्राक्षस को हम पैदा करेंगे, बना सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने उस व्यक्तियों से योगदान मांगा और उसके पश्चात उन्होंने चमत्कार किया। तो हमारे जीवन में यदि हम कोई भी चमत्कार होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हम ईश्वर से सहयोग करते हैं, हम अपना योगदान देते हैं। वो चाहे विश्वास का हो, चाहे कोई कार्य का हो, चाहे प्रार्थना की हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारा योगदान होना ज़रूरी है। और इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें अपना विश्वास प्रकट करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनको अवश्य रूप से परमेश्वर देता है, क्योंकि वो अपना विश्वास उन पर प्रकट करते हैं, माता मरियम की मध्यस्थी की विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और इस प्रकार से वो अपना योगदान निश्चित रूप से देते हैं। अगर इंसान चाहता है कि मुझे व्यसन से मुक्त होना है तो उन्हें अपना कदम उठाना चाहिए, वो अपना विश्वास व्यक्त करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे इस समस्या से बचा ले। और जब ये वो व्यक्ति अपना योगदान देगा तब उसके जीवन में आप देखिए किस प्रकार का बदलाव आएगा, किस प्रकार से वह उनके परिवार में चमत्कार होगा, किस प्रकार से वो परिवार उभर सकता है। अगर हमारे समाज में हमको बदल लाना है तो पहले बदलने की कोशिश हम अपने आप में करना चाहिए। जब हम देखते हैं कि बहुत सारी गंदगी यहाँ पर है तो हमें उसको साफ करना है, तो हमें पहला कदम उठाना चाहिए कि मैं किस प्रकार से ये योगदान करूँ। जब इंसान अपना कदम उठाता है प्रभु उसको साथ देता है। मजरून सुल्तानपुरी ने ये कहा था कि मैं अकेला चला जा रहा था जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। उन्होंने पहला कदम उठाया, कवि है ने कहा कि इंसान जब पहला कदम उठाता है हो सकता है उसके पीछे कोई नहीं है, लेकिन जब वो अपनी कोशिश करता है प्रभु उस पर आशीष डालकर उसके साथ में बहुत सारे लोगों को मदद करने के लिए भेजता है। शुरुआत होती है एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति से ही समाज बदल सकता है। एक व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति है कि वो समाज को बदल डाले, क्योंकि उसका विश्वास
परमेश्वर पर हो। जो परमेश्वर पर अपना विश्वास प्रकट करता है तो परमेश्वर अवश्य रूप पर उसको आशीर्वाद देगा, वो समाज को बदल सकता है, अपने परिवार को बदल सकता है और इस प्रकार से इस दुनिया में सुख शांति हम ला सकते हैं। यदि हम देखते हैं कि यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध चल रहा है, कोशिश ये होगी कि किस प्रकार से इस युद्ध को मिटा दें। परमेश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर इस युद्ध को मिटा देना। परमेश्वर का नामुमकिन नहीं होगा, लेकिन क्या जो अधिकारी लोग हैं वो चाहते हैं कि युद्ध को बंद करें? यदि वो चाहते थे कि युद्ध बंद करें तो फिर भी हम हर देश अपने सामान को इकट्ठा करता है, कुछ बम्स लेके आते हैं और भी गनफायर्स लेकर आते हैं और भी हमको सोफिस्टिकेटेड मशीन्स लगते हैं। याद है कि हमारे दिल में अब तक डर है, इस डर को निकालने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। जग में तब शांति आएगी जब हर इंसान यही चाहेगा और विश्वास बढ़ाएगा कि यहाँ जी हाँ हमको ये सब बंद करना है। हमने युद्ध को देखा है, युद्ध किसी के लिए भलाई नहीं करता है लेकिन हर इंसान के लिए वो और भी मुश्किलें पैदा करते हैं। आज हम विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु हम अपना योगदान अवश्य देंगे, आपका आशीष हमें दें ताकि इस दुनिया में, हमारे घरों में और हमारे समाज में हम बदल ला सकें। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, ओ कुवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनंती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति, दयावन प्रभु जिसकी दयाएँ असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो हर दिन और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी अपने दयालु उपस्थिति से हमारी मस्तिष्क को निर्दोषित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ रहें और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज्य में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना, प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें, वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वो आपके पीछे रहे और आपको संभाले, वो आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दें। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पे उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमेन। मां मेरी मां।
सुखी माँ। Peace out.
समान संस्कार जो सबसे महान तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें परमेश्वर तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है, हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है, आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रीस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरज दाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।